हम लोग ट्रायंगल पढ़ लिए थे, ठीक है। ट्रायंगल में देख लिए थे थ्री वर्टेक्स होता है, थ्री एंगल होता है, थ्री साइड होता है। अब आगे देखना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का वो हमको चेक करना है, देखना है क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं, ये ट्रायंगल हमारा होता है, ये ट्रायंगल होता है, सर थ्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, वन टू थ्री, थ्री, और साइड होते हैं ये। इसको ध्यान देखिएगा, एंगल में आपका होगा एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री। साइड आपका हो गया, कौन साइड हो गए, मान लीजिए ए बी यहाँ से हो गया, ए बी, फिर बी सी यहाँ से, ये साइड हो गया बी सी और सी, ये थ्री साइड हो गया। तो इसी दोनों पे दो प्रॉपर्टी हमारे पास, उसको पढ़ना है कि दो प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल का, वो देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा सम ऑफ द एंगल, इस तीनों सम का एंगल, तो सम ऑफ द ऑल एंगल, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमारा जो ट्रायंगल का सम होता है, ये तीनों का सम जो होगा हमेशा, ये ट्रायंगल का कोई भी सम होता है, ये आपका एंगल रहा, ये एंगल वन रहा, एंगल टू रहा, एंगल थ्री रहा, तो इस तीनों का सम, मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ये तीनों का सम हमेशा ऑलवेज जो होगा 180 होगा, ऑलवेज 180, ना 180 से एक डिग्री कम ना एक डिग्री ज्यादा, ये होगा हमेशा सम होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये कोई ट्रायंगल रहा, ठीक है, तो ट्रायंगल में रहेगा ये 60 रहेगा, तो मान लीजिए आपका 70 है, ठीक है, तो ये आपका यदि सम करते हैं, यदि इसका इसका सम करते हैं हम लोग, तो 150 130 हो गया, तो ये आपका रहेगा आपका 50 हो जाएगा ये। इस तीनों का सम रहेगा, मतलब एंगल यहाँ पे ए बी सी, मतलब 60 प्लस 70 प्लस 50, ये तीनों का सम हमेशा 180 होना चाहिए ही होना चाहिए। यदि ये सम ऐसा 180 नहीं है, तो वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, वो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करेगा, वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, सम यदि एक भी ज़्यादा होता है तो। अब इस तरह क्वेश्चन, ये तीनों का सम दिया हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए, अब आगे हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ राइट ट्रायंगल को देख लेते हैं। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि वन एंगल जो होगा 90 डिग्री होता है, इसमें ऑलरेडी वन एंगल जो होता है 90 डिग्री। यदि राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, तो उसमें एक जो एंगल होता है ऑलरेडी 90 डिग्री, हम लोग को पता है ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जी बोला गया ये राइट ट्रायंगल है, तो मतलब कि एक डिग्री, एक एंगल जो आपका ये रहेगा 90 डिग्री। तो राइट एंगल में एक एंगल आपको पता होता है हमेशा, एक एंगल जो हमेशा राइट एंगल में आपको होता है, ये चीज को याद रखेगा। इस यही एक ऐसा हम जानते हैं, हम लोग दो तरीके से ट्रायंगल को पढ़े, जब एंगल के अनुसार से पढ़े, तीन तरीके पढ़े हम लोग, पढ़े एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये रहा अब एक्यूट एक्यूट ट्रायंगल रहा, जिसमें से तीनों साइड तीनों एंगल पढ़े, मुझे कहीं नहीं रहेगा ना ऑब्ट्यूज में रहे कौन सा तीनों एंगल है। लेकिन राइट एंगल में जैसे हम लोग बात करेंगे, तो राइट एंगल का मतलब ये होता है कि वन एंगल 90 डिग्री। कभी भी राइट एंगल जो बोला जाए, समझ लीजिए उसमें एक एंगल जो आपका 90 डिग्री है, तो बाकी बच जाता है आपका ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ 45 भी हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है आपका 45 हो सकता है, ये दोनों आपका 45 45 हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों का सम जो होगा बिल्कुल 90 डिग्री होगा, मतलब कि 90 प्लस 45 प्लस 45 = 180। यह देखिए हमेशा जो होता है 180 डिग्री ही होता है, ठीक है, तीनों एंगल का सम आपका 180। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया गया है, राइट एंगल बोल दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, तो मान लीजिए एक राइट एंगल बोला गया है, राइट एंगल में एक एंगल दिया गया है, ये इन ए राइट ट्रायंगल, वन एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल, इस तरह क्वेश्चन आपको दे देगा अदर एंगल्स, ठीक है। इन ए राइट एंगल एक डिग्री आपका दिया हो, 30 का दिया हुआ, तो फाइंड करना अदर एंगल फाइंड करना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको इसमें काम आएगा, सम ऑफ द ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज ये देख लिया आपको ये, ठीक है। तीनों एंगल सम होता है 180 डिग्री। राइट ट्रायंगल की बात करा जाए, बात किया गया है,
उसमें से एक 30 डिग्री दिया होगा तो अदर्स क्या होगा। तो ट्राइट एंगल हम लोग पहले फिगर बनाना सीखिए आप लोग, कभी जब बनाते हैं तो फिगर बनाइए चीज। अब स्टार्टिंग पीरियड है आप लोग का, फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो राइट एंगल पहले बनाइए, राइट एंगल मतलब कि ये हमारा हो गया राइट एंगल, नेम कर दीजिए ए बी सी। ये सब बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ही जरूरी है, यदि डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें तो सीख तो जाएगा लेकिन बाद में बहुत दिक्कत हो गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल में एक डिग्री आपका रहेगा 90 डिग्री। ये देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ केवल एक डिग्री या 30, लेकिन आपको इस राइट ट्रायंगल से समझना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल समझना पड़ेगा कि एक डिग्री जो आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। सेकेंड जो होगा कोई भी होगा ये 30 डिग्री का हो, तो ये हमें निकालना होगा, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एंगल का होगा, इसका नाम ही हम दे सकते हैं एंगल, इसको मान लीजिए एंगल वन हो गया, एंगल टू हो गया, एंगल थ्री हो गया, ठीक है। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। जैसे ये जानते हैं कि तीनों का जो एंगल का सम होता है हम लोग का वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग का कोई भी एंगल वन निकालना है, एंगल वन निकालना है, टू कितना दिया हुआ है 30, ठीक है, प्लस ये दिया हुआ मेरा 90, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इसको सम करेंगे, यहाँ पे इसको सम करेंगे तो क्या होगा, एंगल वन इसमें का सम करेंगे हम लोग हो जाएगा 120 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल वन निकालना है, सिंपली हम बताया था कि एंगल वन के बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज जो है आपका ये पूरा का पूरा उठ के इक्वल टू के उधर चला जाता है, इसके अगर प्लस साइन तो उधर जाके क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा 120 हो जाता है और यह आपको आ जाएगा 60 डिग्री। आपका क्या कहेगा आंसर, मतलब ये जो एंगल वन में आ ये 60 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन आपको राइट ट्राइंगल में समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को राइट ट्राइंगल में हमेशा एक ही एंगल दिया रहेगा, दूसरा एंगल नहीं दिया रहेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक 90 डिग्री है, एक हमारा 30 डिग्री। लेकिन जब एक्यूट एंगल की बात करेंगे निकालने के लिए, इस तरह क्वेश्चन आपको आएगा, हमेशा जो होता है इस प्रॉपर्टी के अनुसार से हमेशा दो एंगल दिया रहता है, दो एंगल दिया रहेगा तीसरा एंगल हमेशा निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो दो एंगल दिया रहेगा तो राइट ट्राइंगल में हमेशा एक ही एंगल दिया रहेगा, कि आपको समझना पड़ेगा कि एंगल 90 डिग्री है, सेकंड एंगल 30 डिग्री। तो ये एक्यूट इस प्रॉपर्टी क्वेश्चन ऐसा ही है, दो एंगल दिया रहेगा तीसरा एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल चाहे कोई भी दूसरा एंगल करना पड़ेगा, इस तरह लिख रहे हैं ट्राइंगल इन्हें ट्राइंगल टू एंगल्स आर, और मान लीजिए 30 है एंड 110, ठीक है, फाइंड द अदर एंगल। इस क्वेश्चन से इस प्रॉपर्टी से ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर 30 एंड 110 डिग्री, दो एंगल का एक ट्राइंगल में 2 डिग्री दिया हुआ 30 एंड 110 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड द अदर एंगल। तो हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होता है, एंगल वन एंगल टू एंगल टू एंगल थ्री, ये 3 एंगल आपका होता है, ठीक है। तो दो एंगल दिया हुआ 30 दिया हुआ 110 दिया हुआ, तो सारी निकाल सपोज किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जो नहीं है कि जो हम मान रहे वही आप मानिए, आप किसी को भी मान सकते हैं। इसको आप एंगल वन को मान सकते हैं, आप 30 इसको 30 मान लीजिए, आप यहाँ पे इसको मान लीजिए 30 डिग्री आपका रही है, यहाँ डिग्री लिखाता है हमेशा, डिग्री देखिए डिग्री हमेशा लिखाता है यहाँ पे 30 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 110 मान लीजिए, इसको आपको मान लीजिए निकालना है, एंगल वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक। ये आपको फाइंड करना, इस तरह से क्वेश्चन आप बना लीजिए, फिगर कभी बना लिए कोशिश कीजिए, क्वेश्चन मिले तो आप फिगर बना लीजिए, क्योंकि आप बेसिक से समझ में आपको आ जाएगा, नहीं तो हमेशा समझ में आपको नहीं आएगा। तो हम लोग पढ़ जाते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है आपका, ठीक है, 180 डिग्री। अब इसी बनाए क्वेश्चन है, यहाँ पे एंगल वन दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल वन उससे ऊपर वाला एंगल वन, तो 110 हो गया, प्लस टू में हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, थ्री आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ देखते हैं थ्री निकालना है। तो हम पर इस दोनों क्या करेंगे, सम कर लेंगे, सम करने पे मेरा जो आएगा आंसर 140 आ जाएगा, 140 प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये आपका सिंपल सा जो ऐड है। अब आगे देखते हैं इसको हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको
इसको हम लोग करेंगे, इसको एक साइड रखें, दूसरे को दूसरे साइड में चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140 डिग्री, ठीक है। 180 बराबर 140 डिग्री लेकर देखते हैं, ऊपर आ जाइए आप, ऊपर यहाँ बना लीजिए इसको, इसको आ जाएगा यहाँ पे बना लीजिए 1, इसके बाद आ जाइए यहाँ पे 140 प्लस 130 इसको तो 180 डिग्री हो जाएगा आपका। एंगल 3 निकालना है तो 180 माइनस 140, ये एंगल 3 बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, मतलब एंगल जो 3 आपका ये आया है ये 40 डिग्री आया है, ये चीज़ ये आया 40 डिग्री। तो इस तरह इस प्रॉपर्टी से आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका, सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और ट्रायंगल इज 180, ये आपका पहला प्रॉपर्टी रहा, ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए इस तरह जनरली क्वेश्चन आपको इसी तरह का दो एंगल दिया रहेगा, तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा, तो दोनों एंगल को ऐड करना 180 से माइनस कर देना होता है, बस इसी से आपका निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है साइड पे, ये रहा फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका एंगल पर रहा, सेकंड प्रॉपर्टी है साइड पे, साइड पर प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड का सम होता है मोर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखे क्या आपका, सेकंड सम ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड मतलब कि कहने मतलब सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कहने में कोई भी दो साइड, हम लोग देखते हैं यहाँ तीन साइड है, एक दो तीन, यहाँ साइड वन हो गया, साइड टू हो गया, साइड थ्री, किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं पीछे पड़े, कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कोई भी हम चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी कोई भी ले सकते हैं आप। तो सपोज कीजिए हम लेते हैं ए बी, ए बी साइड लेते हैं प्लस बी सी, इस जगह जो सम करेंगे हम जो भी ऐड करके जो आंसर आएगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये बड़ा होगा ग्रेटर देन होगा, ये जो थर्ड साइड है उससे क्या होगा बड़ा होगा, कभी भी बराबर भी नहीं होगा ना कभी छोटा होगा, इसे याद रखिएगा, ना छोटा होगा ना ही वो बराबर होगा, कभी भी होगा तो इससे ये बड़ा ही होगा, तभी वो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, तभी वो ट्रायंगल कहलाएगा। इस तरह पहला प्रॉपर्टी देखा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा तभी वो ट्रायंगल कहलाएगा, यदि एक भी कम चाहे ज्यादा वो प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करेगा वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, जैसे जान लीजिए। इसी तरह ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि दो सम कोई भी दो ट्रायंगल कोई भी दो साइड आप हम इसको लिखे आप मर्जी आप इस दोनों को लिख सकते हैं, किसी को भी दो कीजिएगा तो ए भी कर सकते हैं, चाहे आप इस दोनों का ऐड कर सकते हैं सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, मतलब ये हम ग्रेटर देन का साइन जानते हैं कि इस साइड वाला क्या होता है हमेशा ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है, इधर वाला साइड क्या होता है ये इसमें तो शुरू से ही इसको पढ़ते ही यार कोई नया चीज आपको नहीं बता रही थी शुरू से देखते आ रहे हैं, तो ये जो खुला साइड होता है बड़ा होता है, इधर साइड क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। तो ये दोनों का सम जो कोई भी दो साइड का सम लीजिएगा ना तो कोई भी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का सम वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, थर्ड से बड़ा होना चाहिए, यदि नहीं है तो वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, ठीक है, लेकिन हमेशा ये होता है ट्रायंगल होगा तो ये फुलफिल उसका प्रॉपर्टी फुलफिल ही करेगा, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल लेते हैं इससे कोई भी ट्रायंगल आप इसको नापिएगा, ये रहेगा 6 रहेगा, ये 7 रहेगा, 8 रहेगा, आप कोई भी दो साइड उठा के देख सकते हैं, आपको जैसे मान लीजिए हम 6 + 7 करते हैं, 6 + 7 ये हमेशा रहेगा 8 से बड़ा, तो 6 + 7 करने पे हमारा क्या आएगा ये 13 आएगा, इस देखिए 8 से बड़ा, चाहे आप 7 + 8 ले सकते हैं, 7 + 8 ले लीजिए वो आपका 6 से बड़ा रहेगा, ठीक है। 7 + 8 लीजिएगा तो आपका आएगा 15 आएगा, ये भी 8 से क्या है हमारा बड़ा, 6 से बड़ा। थर्ड प्रॉपर्टी 6 + 8 भी ले सकते हैं आप, 6 + 8 लीजिएगा देखिए 6 + 8 क्या आएगा 14 आएगा, ये भी समझ क्या है बड़ा, ठीक है। तो ये किसी भी कंडीशन में कोई भी साइड उठाइए, कोई भी साइड कैसा भी साइड उठाइए आपको तीनों साइड, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको इसको पहला में हम किसको इसको इसको ऐड किए, सेकंड में किसको ऐड किए, इस दोनों को ऐड किए, थर्ड में किसको ऐड किए, इस दोनों को ऐड किए, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी हम ऊपर वाला चाहे साइड, कोई भी ट्रायंगल का आपको जो मन में लगे कोई भी दो साइड को उठाइए,
हमेशा जो सम जो उसका सम रहेगा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, और होता है ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको समझिए ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, वो ट्रायंगल प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करा, वो गलत है ठीक है। तो ये आपका दो प्रॉपर्टी रहा, सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, फैला के ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है। ये रहा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपका। इसी को देखते हुए एक और चीज है, जान लीजिए प्रॉपर्टी में काउंटिंग नहीं होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल में है वो प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होता है। जैसे इसमें तो देख लीजिए, जैसे ए बी, हम इस ट्रायंगल के लिए ए बी सी ये साइड प्लस बी सी ये साइड, इस दोनों का हिसाब करने पे हमारा इस साइड से क्या हो गया, बड़ा होगा। हम इस पहले प्रॉपर्टी में पहला कंडीशन हम ये लिए थे ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या लिए थे बी सी, सेकंड कंडीशन में बी सी लिए हैं, ये बी सी लिए हैं, ये बी सी लिए हैं, प्लस सी ए, प्लस क्या लिए सी ए, ये साइड, ये साइड और ये साइड जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होगा, ए बी का साइड इससे बड़ा होगा। थर्ड कंडीशन में क्या लिए हैं सी ए, यहाँ लेंगे सी ए, यहाँ सी ए, ये इसको जोड़ेंगे प्लस ए बी इसको जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसका सम जो होगा इससे क्या होगा बड़ा होता है। यही चीज हम इसको सम करके पता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जान लीजिए, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक लैटरल ट्रायंगल, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़े हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल होता है तो देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल ए बी सी, ये देखिए ऑल साइड्स क्या होगा इक्वल होगा। तो याद रखिए इसमें ऑल साइड्स इक्वल होगा, इससे प्रॉपर्टी एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंगल पे क्या होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल इसमें होता है, ये तीनों एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है। जनरली मान लीजिए तीनों का जो एंगल डिग्री 60-60 होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों का डिग्री होता है बिल्कुल 60-60-60-60 होता है ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में हम बता रहे, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में जो तीनों साइड आपका होता है बिल्कुल इक्वल होता है, वो तीनों का तीनों जो एंगल होता है 60-60 ऑल एंगल, इसमें ऑल साइड इक्वल, इसमें ऑल एंगल भी इक्वल होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है एंड ऑल आर 60 डिग्री, ऑल आर जितना भी एंगल इक्विलेटरल एंगल सब का सब क्या होता है वो टोटल का टोटल 60 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी में गिनती नहीं होता है ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल था इसलिए हम बता दिए कि ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ये रहा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपका।